थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैंने मीडिया को बताया नहीं था क्योंकि मेरा दोनों बेबीज जो हैं वो घर नहीं आए थे, एक ही बेबी घर पे आया हुआ है, तो द सेकेंड बेबी इज़ गोना कम होम, तो फिर मैं हम भी प्रॉपर सेलिब्रेशन करेंगे और फिर फोटोग्राफ भी भेजेंगे आप सब लोगों को। मैं भी आमंत्रित कीजिएगा। बिल्कुल, सब लोगों को, मीडिया को तो डेफिनेटली बुलाएंगे हम लोग और एक प्रॉपर सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग। वैसे आपके लिए तो डबल सेलिब्रेशन का मौका है, ड्रामा कंपनी शुरू होने। हाँ, मैं उसी की रिहर्सल से आ रहा हूँ अभी और इंडिया बने का मंच ख़त्म करना है, मुझे भागना है, अभी बगल में शूटिंग चल रही है, तो मैं बहुत उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, एक्साइटमेंट भी है, बहुत घबराहट भी हो रही है क्योंकि नया कुछ कर रहे हैं, नई टीम है, नया परिवार है, तो जब नई फैमिली होती है तो ज़्यादा घबराहट होती है, तो अभी घबराहट बहुत हो रही है। ओके, तो कृष्णा कितना मुश्किल था इस चीज़ को सीखना, रखना, मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ आपने सीखी। हाँ सी, बहुत मुश्किल था। नहीं, मैं चाहता था कि एक प्रॉपर सेलिब्रेशन हो व्हेन दे आर बॉर्न, बट द थिंग वाज के बेबीज वर नॉट होम। मैंने बोला दोनों घर आ जाएंगे तो फिर एक प्रॉपर सेलिब्रेशन हो, अगर आफ्टर दे वर बॉर्न दो दिन बाद घर आ जाते तो फिर हम तभी बताते और प्रॉपर सेलिब्रेशन करते, तो अब जब दोनों साथ में होंगे तो सेलिब्रेशन करेंगे। ओके, ऑल्सो वन क्वेश्चन कि ड्रामा कंपनी के फर्स्ट एपिसोड में कौन मेहमान बनकर आ रहा है बॉलीवुड से? रणबीर कपूर। करिए? नहीं, अभी हम कर रहे हैं तो वो आने वाले हैं और आज बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, मैं देख नहीं पाऊँगा। आरती आज परफॉर्म कर रही है गोल्ड अवार्ड्स में, मैं इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए आने वाला था लेकिन वही प्रॉब्लम, इंडिया बनेगा मंच बगल में सेट लगा है मेरा, अब स्टूडियो में आ गए हम लोग तो प्रोडक्शन मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो मैं सिर्फ आरती के लिए आया। मैंने कहा चलो आप सब लोगों को, हम लोग कब हमेशा कम मिलते हैं, मैं या तो कश्मीरा के साथ होता हूँ और अब बच्चे भी हैं। हाँ, तो इसको मैंने बोला आरती मैं इसके लिए आ जाऊँगा आज, बट मैं परफॉर्मेंस नहीं देख पाऊंगा, इसमें कमाल का परफॉर्मेंस आज कर रही है एंड शी इज नॉमिनेटेड ऑल्सो, अगर अवार्ड मिल गया तो फिर भाग कर आऊंगा। हाँ, कपिल के शो में वो जब बुलाएंगे प्रमोशन के लिए, क्योंकि अभी सेम चैनल पर चक्कर है, मेरे शो पे सब कब आते हैं जब हम बुलाते हैं उनको, तो जब वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। मैं हांगकॉन्ग में था और मुझे कोई 3000 मैसेज हैं जो अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे सबके कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आ रहे हैं, जितने दोस्त हैं, कलीग्स हैं, एक्टर्स हैं, वो सब खुश हैं और सब घर पे आना चाहते हैं। अब देखा, वही चक्कर था, मैं चाहता था दोनों घर पे हों बेबीज, तो घर पे सबको मैं बुलाऊं, तो अभी एक ही बेबी है घर पे, दूसरा जैसे ही आ जाएगा तो इट्स गोना बी अ बिग सेलिब्रेशन। फिर मैं आपको बताऊँगा, उनके नाम भी बड़े अच्छे हमने रखे हुए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। Huh?